नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीकेडी के एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे 24 तारीख के सेकंड शिफ्ट के साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, ये इतने ही क्वेश्चन अभी तक फिलहाल मिल पाए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख लें ताकि आपको पता रहे कि कैसे साइंस के क्वेश्चन आज के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा था। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस उत्पन्न होता है। तो कौन सा गैस उत्पन्न करता है फ्रेंड्स, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है। तो कौन सी गैस इंसुलिन स्त्रावित करती है फ्रेंड्स, की अग्नाशय ग्रंथि है, जो अग्नाशय ग्रंथि है इंसुलिन स्त्रावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड शीट के एग्जाम में पूछा गया साइंस से ये है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विटामिन से क्वेश्चन फिलहाल बहुत सारे रिपीट भी हो रहे हैं फ्रेंड्स। अभी भाई ये सुनने में आया है कि विटामिन के क्वेश्चन बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया फ्रेंड्स कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फिग्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कि कांच में से कौन सा एक बैंगनी सॉरी परा बैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है। तो ये बुक्स कांच होता है, क्रूक्स कांच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था जो कि सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सामान्य परिस्थितियों में हवा की गति जो होती है, हवा में ध्वनि की गति होती है जो कि 332 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि जितनी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि कांसा किसकी मिश्र धातु होती है। तो कांसा जो है तो कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। फ्रेंड्स, इसमें से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कितने परसेंट कॉपर पाया जाता है, कितने परसेंट टिन पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रट कर ही जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स कि अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगोर मेंडल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स कि जिस तत्व में परमाणु में दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन तथा दो इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान संख्या कितना है। तो उसके सही आंसर था फ्रेंड्स कि 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था फ्रेंड्स साइंस का सेकंड शिफ्ट में आया था ये, तो क्या है इसका। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आता है कि प्रकाश के प्रकारों में से किसका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो नीला और लाल रंग का प्रकाश पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये रहे अभी तक के साइंस के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन 24 सितंबर के। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।